बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू रहमत फैमिली। कैसे हैं हमारे बहन भाई? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। जो जहाँ भी है खुश रहे, आबाद रहे, फूलों की तरह मुस्कुराता रहे, किसी की ज़िंदगी में कोई दुख परेशानी गम ना हो। जो जहाँ भी है खुश रहे, आबाद रहे, सब पर अल्लाह की रहमत हो। हम भी ठीक हैं, अल्लाह पाक सबको सेहत की बादशाही दे, आमीन। तो ये अमरूद का बूटा है, इस पौधे पर लगे हुए हैं अमरूद। अभी ये छोटे छोटे हैं, हरे भी हैं और छोटे भी हैं, थोड़े मोटे होंगे। तकरीबन एक महीना लग जाएगा इनको। बाहर वैसे रेड़ियों पर तो बिक रहे हैं, सड़कों पर लगे हुए हैं। ये हमारे पौधे ने थोड़ी देर से ही उठाए हैं, देर से फल लगा है। ये लीमू है, लीमू पर भी अभी छोटे छोटे लीमू लगे हुए हैं। तो ये भी एक महीने बाद या डेढ़ महीने बाद तैयार हो जाएंगे। बस अल्लाह की शान और कुदरत है। ये बूटी पर फूल लगे हुए हैं। अब ये सर्दियों में क्योंकि कम ही लगते हैं, ये अनार की बूटी है, इस पर भी इतने पत्ते नहीं लगे हुए। और ये एलोवेरा है, ये मालदे का छोटा सा बूटा है और साथ में एक फूल वाली बूटी है। इन पर अभी फूल लगने हैं, बाहर के मौसम में ज़्यादा फूल लगेंगे। ये काफ़ी बड़ा हो गया है बूटा। लिया तो हमने माल्टे का बूटा था, देखो क्या चीज़ लगती है, अभी तक कुछ लगा नहीं है। ये भी लीमू का बूटा है, ये लगता है देसी है। देसी जो पौधे होते हैं ना, वो देर से उठाते हैं। ये अंजीर का छोटा सा बूटा है, ये पिछले साल ही लगाया था हमने, मेरे भाई की पसंद का बूटा है ये। ये खजूर है, गर्मियों में खजूर उठाएगी। और ये है नीम, बड़ी नीम हमारी थी तो वो तो गिर गई थी बारिश और हवाओं की वजह से, फिर ये खुद बखुद ही उग गई है। ये फालसा है, ये भी खुद बखुद लग गया है। हमने अचानक देखा तो बारिशों के पानी से, पता नहीं कैसे देखा तो कुछ बड़ा हो गया था, तो अब हम इसको पानी लगाने लगे हैं। तो अब ये बड़ा हो जाएगा, वैसे तो बगैर पानी के ही बड़ा हो रहा था। ये फूल लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये कली है, कली में से फूल निकलेगा। आज मंगल का दिन है तो मंगल बाज़ार भी लग रहा होगा। तकरीबन हम जाएंगे 11 या 12 बजे जाएंगे मंगल बाज़ार। छोटा मोटा सामान वहाँ से मिल जाता है। तुम किधर भाग के जा रही हो? खाई हो रही है? नहीं, कचरा फैला रही हो? ये सारा कचरा किसने इकट्ठा किया है? ये बुड्ढी का काम है, परिंदों के काम है, सारे परिंदों के काम है। हाँ गुड्डी साहिबा, कितने दिनों बाद चूजा निकलेगा आपका? कल
कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। पता नहीं अल्लाह को पता। हाँ बैठी तो हुई है ये, अभी तो सामने बैठे हैं, आज नहीं छुप रहे, क्या मसला है इनको। आज इनका डर खत्म हो गया है। इधर भी एक तोता बैठा है, इसके भी लगता है बच्चे निकलने वाले हैं। ये सारा कचरा फैलाया हुआ है। कबूतर और कबूतरी ने, कबूतर तो अब नहीं रहा, कबूतरी है दो। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं खाना बनाने की। ये लहसुन हमने चूल्हे पर रख दिया है हांडी में डालकर। लहसुन को थोड़ी देर भूनकर फिर इसमें टमाटर वगैरह डालेंगे। अब ये लहसुन हो गया है तैयार ब्राउन होकर। अब टमाटर डाल दिए हैं तो ये थोड़ा गल जाएंगे। अब ये गल गए हैं, आलूओं की बारी है। आलूओं को थोड़ा देर भून लेते हैं। तो इनको कुछ देर भूनने के बाद हम इनमें डालेंगे बैंगन। बैंगन को हमने छील लिया है और उनको काट भी लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो आज हम पका रहे हैं आलू और बैंगन का सालन। तो हमें तो अच्छा लगता है। अब ये आलूओं में हम डालेंगे, ये आ गए बैंगन, धो भी लिए हैं, देसी बैंगन थे। वैसे तो आजकल ज़्यादा वलायती मिल रही हैं, ये देसी थे। देसी बैंगन का अलहदा ही स्वाद और मज़ा होता है। तो इनको हम थोड़ा सा भून कर फिर हल्की आंच पर रख देंगे। अब आइए बारी आटा गूंदने की। तो आटा भी गूंद लिया है, बस थोड़ा सा नमक आखिर में डालकर फिर हम इसकी रोटी बनाएंगे। 10-15 दिन रख देंगे फिर ये भीग जाएगा, फिर पेड़े बनाकर रोटी पका लेंगे। ये हो गया है रात के खाने का टाइम और तैयारी भी हो रही है क्योंकि शाम होने वाली है। अब ये हो गया है तैयार सालन आलू और बैंगन का। उम्मीद करते हैं आपको हाँ दिया। बारिश हो रही है बर्फबारी भी हो रही है, ठंड लग रही है। अच्छा यहाँ से तुम किधर छुपे हो? अरे रेप खाते रेप। ये ना मेरी भाभी के घर बिल्ली रहती है, तो उसने बच्चे दिए हैं 3, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। ये स्टोर में पड़े थे तो मेरी भाभी की नज़र एकदम से गई, डब्बे में रखे हुए थे तो वहाँ से उठाकर वो बाहर लेकर आई हैं। आज ना सुबह को थोड़ी सी हल्की हल्की सी बूंदा बांदी हुई है बारिश, और मौसम बहुत ही प्यारा बन गया है। बस अल्लाह की शान और कुदरत है। बारिश होने से बीमारियां कुछ कम हो जाती है। जरासीम जो ऊपर होते हैं नीचे गिर जाते हैं। ये छत पर किसी की बैठे हुए थे कबूतर, तो मैंने वीडियो बना ली। ये अब्दुल्ला लाया था मछलियां, बहुत ही शौक है आजकल के बच्चों को मछलियों का। वैसे तो मुझे भी अच्छी लगती हैं,
तो हम अपनी वीडियो का कर रहे हैं एंड। अल्लाह हाफिज़।